लेट ए बी फोर बाय फोर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि ए का जो साइज है वो फोर बाय फोर है और इसका जो डिटर्मिनाट है वो नॉन जीरो है एंड बे बी द मैट्रिक्स ऑपटेन फ्रॉम ए बाई एडिंग टू इट्स थर्ड रो टाइस द फर्स्ट रो और सपोज करो जो बी मैट्रिक्स आ रही है आपकी वो कैसे आ रही है सपोज करो ए में कोई रो है फोर तो ये जो थर्ड रो है ये क्या है इसमें टू से मल्टीप्लाई कराओ फर्स्ट से और इसमें ऐड करने पर यह जो आ रहा है फाइनल इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ये आपकी मैट्रिक्स बी आ रही है देन डिटर्मिनाट ऑफ डिटर्मिनाट ऑफ टू ए इनवर्स बी तो इसमें आपको दो प्रॉपर्टी को याद रखना है कि डिटर्मिनाट तो फर्स्ट है डिटर्मिनाट ऑफ ए इनवर्स जो होता है वन अपॉन ए के इक्वल होता है सेकेंड डिटर्मिनाट ऑफ एल्फा टाइम्स ए इक्वल टू एल्फा रेस टू दावर एन ए डिटर्मिनाट यहां पर एन क्या है एन है इसका साइज साइज ऑफ मैट्रिक्स यानी कि जैसे फोर बाई फोर है तो थ्री बाई थ्री है तो यहां पर एन ये है तो एल्फा रेस टू दावर एन हो जाएगा एक तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है और जो तीसरा रखना है ए आर ओज यानी कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करने पर डिटर्मिनाट में कोई भी चेंज नहीं होता है ए आर ओज अप्लाई तो अगर हम ए आर ओज अप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनाट जो होता है वो डजेंट एल्ट्रो ड्रो तो ये होता है कि डिटर्मिनाट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है तो अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर जो गिवेन है वो हमें ये फाइंड आउट करना है तो यहां पर देखिए जो बी मैट्रिक्स आ रहा है वो ए से ही आ रहा है एलिमेंट ऑपरेशन लगाकर तो बी का जो साइज होगा वो फोर बाय फोर होगा तो ए इनवर्स बी जो आपका मैट्रिक्स होगा उसका जो साइज होगा वो भी फोर बाय फोर होगा यहां पर ये टू है जिसको मैं अल्फा बोल रहा हूं तो एल्फा रेस टू दावर कितना होगा फोर तो यानी कि ये होगा टू रेस टू दावर फोर डिटर्मिनाट ऑफ ए इनवर्स बी और डिटर्मिनाट ऑफ ए बी डिटर्मिनाट ऑफ ए बी ये जो इक्वल होता है ये होता है डिटर्मिनाट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनाट ऑफ बी यानी कि दोनों के इंडिविजुअल डिटर्मिनाट के प्रोडक्ट के तो यहां पर क्या हो जाएगा डिटर्मिनाट ऑफ ए इनवर्स इन टू डिटर्मिनाट ऑफ बी

ए से डिटर्मिनेंट ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको क्या बचता है टू टूरिस्ट दावर फोर इसका मीनिंग हुआ सिक्सटीन तो आपका ऑप्शन डी टू होगा